हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टपल इन पाइथन। टपल क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अभी तक आपने इन सारे टॉपिक्स को नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमने एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया था। इसका मतलब अगर आप टॉपिक्स को देख लेते हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाएंगे, जावा पाइथन, और टिप्स भी आपके लिए लाएंगे, मोटिवेशन भी आपके लिए लाएंगे, जिससे कि आप प्रोग्रामिंग में मास्टरी हासिल कर पाओ। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सीखते हैं टपल क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, टपल इज यूज टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये लिस्ट की तरह ही है। लिस्ट में भी हम लोग क्या करते थे, हम लोग सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को स्टोर कर देते थे, कई सारे आइटम्स। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे लिस्ट में और फिर कॉमा कॉमा लगा के कई सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते थे। टपल में भी एग्जैक्टली यही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस बार पैरेंथेसिस यूज करेंगे। अभी हम बताएंगे कैसे उसका सिंटेक्स है, बट इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो पाइथन के ऑब्जेक्ट तो होंगे कई सारे, दैट मीन्स ये भी कलेक्शन होगा, बट जो पूरा टपल बनेगा वो इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल का मतलब एक बार आपने टपल बना दिया तो वो फिक्स हो जाएगा, उसमें जितने भी आइटम्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। आप एक बार बना लेंगे फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो टपल और लिस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो लिस्ट, एक बार आप लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो उसमें चेंजेस कर सकते हो। लिस्ट में आप वैल्यूज को निकाल सकते हो, इवन एडिट भी कर सकते हो, वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बट टपल में एग्जैक्टली सेम काम होगा, बट यहाँ पे ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब कैनॉट बी चेंज, कैनॉट बी मॉडिफाइड। एक बार आपने कलेक्शन बना लिया ऑब्जेक्ट्स का, फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग टपल को क्रिएट करेंगे और टपल को क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको कैसे एक्सेस वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ, टपल को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको पैरेंथेसिस यूज करना है, ओपन पैरेंथेसिस, और बीच में ऑब्जेक्ट 1, कॉमा ऑब्जेक्ट 2, कॉमा ऑब्जेक्ट 3, कॉमा ऑब्जेक्ट 4, 5, 6, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो रख देने, फिर अपना पैरेंथेसिस को सिंपली बंद कर देना। अभी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एनी वैल्यू यू कैन पुट। आप इंटीजर की वैल्यू रख सकते हो, ऑब्जेक्ट 2 मीन्स आप स्ट्रिंग की वैल्यू रख सकते हो। ये हिट्रोजीनियस कलेक्शन है पाइथन में, जैसे लिस्ट में भी हिट्रोजीनियस कलेक्शन था, टपल भी हिट्रोजीनियस कलेक्शन है। और ऑब्जेक्ट्स मीन्स एनी ऑब्जेक्ट, एनी थिंग, वो इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, इवन वो स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप किसी चीज का भी कलेक्शन बना सकते हो, दैट इज नथिंग बट टपल। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप एक बार लिस्ट बना लोगे उसको चेंज नहीं कर पाओगे, दैट इज अ मेन प्रॉपर्टी ऑफ टपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन से तरीके हैं। अगर आपको ब्लैंक टपल यूज करना है तो आप टपल के बाद पैरेंथेसिस लगा सकते हो, उसको टपल फंक्शन या टपल का ये कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, क्योंकि टपल इंप्लीमेंट हुई है क्लास पे, तो आप टपल लिख के पैरेंथेसिस लगा दो। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी सीक्वेंस को कन्वर्ट करना है टपल में, तो आप यहाँ पे टपल के अंदर सीक्वेंस पास भी कर दो। जैसे आपने टपल के अंदर टपल लिखा, फिर टपल के अंदर कोई वैल्यू पास की, इट मे बी अ सीक्वेंस, वो सीक्वेंस हो सकती है, अगर आपने सीक्वेंस पास किया तो वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगी टपल में और किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर लो। तो वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ लिस्ट, बट वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, आप पास कर सकते हो, दैट कैन बी आइट्रेबल। ठीक है, उसको आप आइट्रेट कर पाओ, एडमिट सीक्वेंस होगा तभी आप आइट्रेट कर पाओगे। तो ये तीन तरीके हैं, बेसिक स्टैंडर्ड तरीके हैं टपल को क्रिएट करने के। अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि टपल क्रिएट आप पैरेंथेसिस से करते हो, बीच में कितने भी ऑब्जेक्ट्स कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, और टपल के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो चेंज नहीं होंगे। टपल के जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट इज अ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ टपल। तो अब बात करते हैं, एक बार मैं इसको आप और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, टपल इम्यूटेबल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे सपोज आपने एक टपल बनाया, तो जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, T1 मैंने लिया इक्वल टू, फिर मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया है 23 कॉमा जॉन, इट इज अ स्ट्रिंग, फिर कॉमा, फिर 3244, दैट मीन्स मैंने एक इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग। इसी तरह अगर मेरे पास डबल होता तो कॉमा डबल डबल ऐसा करके मैं लिखता था, पैरेंथेसिस ओपन किया, तो ये जो टपल बन गया उसको मैंने T1 में रख दिया। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, एक टपल बना जिसके अंदर 23 है, जॉन है, 3244 है, और उसको मैंने T1 के अंदर रखा था, सो उसका रेफरेंस T1 के अंदर आ गया, तो T1 उसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब उसका रेफरेंस इसके अंदर रखा है।
अब T1 की हेल्प से हम इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, T1 की हेल्प से इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो T1 को प्रिंट करना तो आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, आपको टपल दिख जाएगा 23 John 3 2 4 4 प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सपोज आपने T23 वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की, आपके टपल में यहाँ पे 23 John 3 2 4 4 यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज हैं, और आपने सोचा कि यार 23 की वैल्यू चलो चेंज करके कोई नए वैल्यू असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप लिखोगे T1 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे उसके अंदर जीरो लिखोगे, क्योंकि 23 जीरोथ पोजीशन पे है, जॉन फर्स्ट पोजीशन पे है और 3 2 4 4 आपका सेकंड पोजीशन पे है, 0 1 2 मतलब पोजीशन, तो 23 की पोजीशनिंग हुई जीरो। तो सपोज आपने यहाँ पे T1 ऑफ जीरो लिखा और अपनी नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश की, बट ये नहीं होगा, एरर आ जाएगी, क्योंकि T1 एक टपल है एंड टपल वैल्यू ऑफ द टपल कैनॉट बी चेंज, दैट्स वाई इट इज अ इम्यूटेबल। तो ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, दैट मीन आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने वैल्यूज चेंज करने की कोशिश की तो यहाँ पे टपल के अंदर पॉसिबल नहीं है, और यही मेन रीजन है, यही मेन डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। लिस्ट ऐसे कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है जो चेंज हो सकता है, उस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, बट टपल आपका चेंज नहीं हो सकता। दैट मीन्स एक बार आपने बना दिया तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, दैट कैन नॉट बी चेंज, आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे आप समझ सकते हो, थोड़ा सा ऑपरेशन बात कर लेते हैं कि टपल में कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, इसकी भी नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करता है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक टपल बनाया है वैल्यूज इक्वल टू, फिर मैंने ब्रेसेस लगाया है पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और उसके अंदर कोई कुछ इंटीजर्स वैल्यू रख दी, 67 43 23 43 3 23, ऐसे करके कॉमा से सेपरेट करके वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं आप इंटीजर लो, बट मैंने चीजों को समझने के लिए इंटीजर ही लिया, और आप भी इंटीजर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, चीज एक बार समझ जाओगे तो वही चीज आप सबके लिए फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा बनाया, सबसे पहले है 67 जो कि जीरोथ पोजीशन पे है, 45 23 43 3 23 करके वैल्यूज रखी। अब जो टपल है वो भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग फॉलो करता है, दैट मींस यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग देख सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 है। अगर हमें 45 प्रिंट करना है तो हमें वैल्यूज ऑफ 1 प्रिंट करना होगा तो 45 प्रिंट होगा, अगर हमें 43 प्रिंट करना है तो हमें वैल्यूज ऑफ 3 प्रिंट करना होगा तब जाके 43 प्रिंट होगा। दैट मीन्स टपल ऑल्सो सपोर्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एंड साथ ही साथ में पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो हम राइट से देखेंगे तो राइट सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा -1 पे होगा, फिर -2 -3 -4 -5 -6, इधर से देखोगे तो इधर साइज से चलेगा, लेंथ जितनी होगी तो -6 -5 -4 -3 -2, तो ये इज अ नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये मैंने आपको सिखाया था स्ट्रिंग में भी लिस्ट में भी, दैट मीन्स नेगेटिव इंडेक्सिंग ये सपोर्ट करता है। सपोज आप वैल्यूज ऑफ जीरो प्रिंट करते हो तो 67 प्रिंट होगा, जीरोथ पोजीशन वाली वैल्यू 67 प्रिंट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज ऑफ -6 प्रिंट करोगे तब भी 67 प्रिंट होगी, क्योंकि -6 पोजीशन पे वैल्यू है 67, तो बाहर नहीं जाएगा, -6 मतलब 67 पोजीशन पे वैल्यूज है। नेक्स्ट आप इसके साथ स्लाइस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, दैट मीन्स आप स्टार्ट एंड और स्टेप जो मैंने बताया था वो भी आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। सपोज आपके पास वैल्यूज है और आपने 0:3 लिख दिया, दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आपको जाना है 3 तक, एंड 3 इज नॉट इंक्लूडेड, दैट मीन 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो ये 0 1 2 तक निकालेगा तीन वैल्यूज, तो 0 मतलब 67, 1 मतलब 45 एंड 2 मतलब 23। तो इस आप क्या कर सकते हो, यहां से स्लाइस भी कर सकते हो, उड़ा सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो जैसे स्ट्रिंग में हम लोगों ने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, जैसे लिस्ट में ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, वैसा ही टपल में भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। तो हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, बना के देख लेते हैं, एक दो वैल्यूज प्रिंट करके देख लेते हैं, इसको स्लाइस करके देख लेते हैं, ये सारी चीज़ देख लेते हैं, और एक बार मॉडिफिकेशन वाला भी काम हम लोग देख लेते हैं कि क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपनी IDE पे, IDLE पे और पाइथन का शेल जहाँ पे ओपन है, और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं टपल का। तो हम लोग ने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि टपल एक ऑब्जेक्ट है जो कि इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता, अगर आप उसके अंदर वैल्यूज़ भी रखोगे तो उसकी वैल्यूज़ आप बदल नहीं सकते हो। और हम लोग ने ये भी देखा था कि कैसे टपल्स को हम लोग क्रिएट करते हैं, तो चलिए हम लोग एक टपल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं। तो सपोज आपके पास एक टपल है आपके पास T1,
और टपल क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यूज करना पड़ता है पैरेंथेसिस, तो हमने पैरेंथेसिस क्रिएट कर लिया। अगर आपके पास लिस्ट होती तो शायद आप इस तरह क्रिएट कर रहे हो द लिस्ट को, बट टपल हमेशा पैरेंथेसिस से क्रिएट होता है। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पास कर सकते हो, वैल्यूज जो होंगी वो हेट्रोजीनियस वैल्यूज होंगी, दैट मीन्स कि आप इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज रख सकते हो, आप इसके अंदर इंटीजर भी, डबल भी, फ्लोट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक टपल हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं हम लोग जिसमें एक तरह के वैल्यूज रखेंगे, एक बनाते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइप के वैल्यूज रखेंगे। तो सपोज हमें इंटीजर रखना है तो 34 ले लेंगे हम लोग, 12 ले लेंगे और 33 ले लेंगे और 90 ले लेंगे और हम लोग एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे T1 को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देख पाओगे कि यहाँ पे एक टपल बन गया। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वेरीफाई तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टाइप के अंदर आप टपल को पास कर सकते हो सिंपली और एंटर कर सकते हो, तो बता देगा कि ये जो T1 ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की, इट इज़ अ ऑफ टपल टाइप, मतलब ये एक टपल टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट इंटीजर वगैरह नहीं टपल है। बट अगर आपको यहाँ पे हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स रखने हैं, मतलब अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स रखने हैं, तब भी आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल ले सकते हो और यहाँ पे टपल के अंदर आप इसको हेट्रोजीनियस अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को रख सकते हो, जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है और हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं टेम्प, और हमारे पास एक फ्लोट की वैल्यू है तो आप फ्लोट भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। और अगर आप T2 को प्रिंट करो तो वैल्यूज देखो प्रिंट हो जा रही हैं। एंड इफ़ यू वांट टू चेक कि किस टाइप की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे T2 को सिंपली एंटर करके प्रिंट कर सकते हो कि ये कुछ नहीं है, ये टपल है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कैसे टपल को बनाएंगे। बट अगर आपको ब्लैंक टपल बनाना है तो सिंपली आप ये यूज़ कर सकते हो, सपोज आप T3 लेना चाह रहे हो और आप ब्लैंक रखना चाह रहे हो, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो T3 को प्रिंट करोगे तो ब्लैंक प्रिंट होगा। एंड इफ यू वांट टू वेरीफाई T3 को भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक टपल है, बट एम्प्टी टपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर इसकी लेंथ निकालोगे तो लेंथ निकालते हैं एलियन फंक्शन से, और अगर हम इसके अंदर T3 पास कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे जीरो इसकी लेंथ आएगी। बट अगर 1 की लेंथ शायद निकालने की कोशिश करो LEN और T1 की, तो आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको ब्लैंक टपल बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो टपल का कंस्ट्रक्टर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो T4, और T4 के अंदर आप ऐसे यूज़ कर सकते हो टपल, और आप ऐसे यूज कर सकते हो, तब भी आपका T4 मतलब ब्लैंक टपल बन चुका है। ये इसका मतलब ये चीज और ये चीज एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट होती तो आप यहां पास कर सकते थे, तो वो लिस्ट कन्वर्ट हो जाती टपल में। ये तो बात हुई टपल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब टपल पे ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर सकते हो, तो हम लोग कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल T1 का। सो T1 के अंदर वैल्यूज रखी है 34, 12, 33, 90, ये चार वैल्यूज रखी है टपल के अंदर। तो हम लोग को अगर एक वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि हमने अभी सिखाया था कि इनकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है स्ट्रिंग और लिस्ट की तरह, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें 34 प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे T1 of 0, तो आप देख पाओगे 34 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह इसकी 34 की इंडेक्सिंग 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, तो अगर 3 प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 90 प्रिंट होगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आप भी खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, 90 प्रिंट होगे। इसी तरह आप स्लाइस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो मुझे चलना है 0 से लेके 0, 1, 2। अब क्योंकि यहाँ तक निकालना है या इंक्लूड करना है तो आपको पास करना होगा एक एक्स्ट्रा, तो आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे T1, और स्लाइस ऑपरेटर मींस हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से कोलन कहाँ तक जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3 लिखूंगा तो ये 2 तक जाएगा, दैट मीन्स 0, 1, 2 33 तक हमें आ जाएगा, देख लो 34, 12 एंड 33। तो हम यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग ने स्ट्रिंग में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, फिर लिस्ट में भी पढ़ा और फिर टपल में भी वही चीज़ सीख रहे हैं। इवन इसके साथ कुछ और ऑपरेशंस एसोसिएटेड हैं, जैसे लिस्ट में हम लोग रिपीट कर सकते थे, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। सपोज हमें T1 को 2 बार प्रिंट करना है तो T1 into 2 लिख देंगे और एंटर कर देंगे, तो आप देखोगे एग्जैक्टली वही टपल यहाँ पे 2 बार आ गया, एक बार ये एंड एक बार ये। इस तरह अगर 3 बार प्रिंट करना होगा तो आप T1 into 3 लिख दोगे तो ये 3 बार रिपीटेशन हो जाएगा, तो आप ऐसे रिपीटेशन कर सकते हो, 3 बार 4 बार इनटू लगा के रिपीटेशन होगा। उसी तरह आप 2 टपल का कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हो, एक नया टपल बना सकते हो। सपोज आपके पास T1 है एंड आपके पास T2 है, तो आप T1 T2 को ज्वाइन कर सकते हो ऐसे T1 plus T2, तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। आप देखोगे यहां तक का एक टपल है और यहाँ तक का दूसरा टपल है। आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा ले सकते हो T6 और उसमें T1 plus T6 को स्टोर कर सकते हो, T2 को स्टोर कर सकते हो,
तो T6 में दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आ जाएगा। अगर आप प्रिंट करो T6 को तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, और ये एक वेरिएबल में स्टोर भी हो गया। तो जो हमारा नया वेरिएबल होगा वो भी हमारा टपल टाइप का ही होगा। तो पाइथन में आपको पता है पाइथन इज़ वेरी स्मार्ट, आपको यहाँ पे बताना नहीं होता है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो T6 है वो अपने आप टपल टाइप का हो गया। इसी तरह आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो टपल्स को ट्रेवर्स करने के लिए, निकालने के लिए एक एक एलिमेंट, जैसे हमने आपको सिखाया था लिस्ट में, लिस्ट को भी ट्रेवर कर सकते हो। सपोज आपको एक एक वेरिएबल अलग अलग लाइंस में प्रिंट करना है तो सिंपली आपको लिखना है फॉर आई इन और टपल का वेरिएबल लिख देना है T1। अब क्या होगा, पाइथन कुछ नहीं करेगा, पाइथन इस टपल से एक एक वैल्यूज निकाल के आई में रखता जाएगा। तो सबसे पहले 34 आ जाएगा क्योंकि T1 में 34 है, तो सबसे पहले 34 आ जाएगा और हम 34 को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई को, तो 34 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 12, वो प्रिंट हो जाएगा, 33 आएगा प्रिंट हो जाएगा, 90 आएगा प्रिंट आएगा प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन ट्रेवर्स द टपल विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, आप आइट्रेट कर सकते हो फॉर लूप से, बहुत आसान है। अभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर वगैरह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। तो आप लेंथ वगैरह निकाल सकते हो, लेंथ फाइंड करना मैंने आपको बताया है, आप लेंथ यहाँ पे दे सकते हो, len फंक्शन यूज कर सकते हो लेंथ फाइंड करने के लिए, तो लेंथ बता देगा। इसी तरह अगर आपको कुछ चेक करना है जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास T1 है एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक दैट 12 उसके अंदर है कि नहीं है, 12 है कि नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बहुत आसान है, इसमें ऐसा लिख सकते हो कि 12 उसके अंदर है कि नहीं, तो आप लिखोगे 12 in T1, अगर होगा तो ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा, है तो ट्रू दे दिया। आप इसको इफ के अंदर भी रख सकते हो, इफ 12 in T1, अगर है तो हम प्रिंट कर देंगे यस यस इट इज, ठीक है, अगर होगा तो प्रिंट हो जाएगा, तो आप देखोगे यस इट इज, दैट मीन्स वो उसके अंदर है, इसका मतलब टपल ने प्रिंट कर दिया, टपल के अंदर है, दैट मीन्स आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये सारे ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हो टपल के साथ काम करने के लिए। कुछ फंक्शंस हैं जो इनबिल्ट है टपल के अंदर, तो क्योंकि ये लिस्ट के समान है, थोड़ी सी बस एक चेंज है लिस्ट के समान है कि ये इसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, इट इज़ इम्यूटेबल। तो हम लोगों ने अभी वेरीफाई नहीं किया इट इज इम्यूटेबल, तो हम लोग उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सपोज आपके पास टपल है T1 और 34 है, 12 है इसके अंदर, 33 है, 90 है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज करना चाहते हो 34 की वैल्यू, तो अगर आप यहाँ पे लिख देते हो T1 ऑफ 0 और यहाँ पे अगर सपोज रखना है आपको 98, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया आंसर दिख रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट दिस असाइनमेंट। दैट मीन्स आप चेंज नहीं कर सकते हो किसको, टपल की वैल्यूज को, बट यहाँ पे लिस्ट होती तो चेंज हो जाता, दैट मीन्स टपल्स आर इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल का मतलब ही होता है इट कैनॉट बी चेंज। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ फंक्शंस हैं वो भी यूज होते हैं, जैसे मैंने बता दिया था लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हो, मैक्स इसके साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे लिस्ट के साथ यूज कर सकते हो, मिन भी इसके साथ यूज कर सकते हो, और भी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। आपको ये मैंने बता दिया कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है, तो होपफुली टपल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ये सारे ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए कैसे करना है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो आप पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाने वाले बहुत ही यूजफुल कंटेंट, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।